अभी गोनिया चेक कर रहे हैं इंजीनियर। बराबर टाइट टाइट सेंटर से थोड़ा लूज कर दो, बराबर उधर से नीचे से माप सही, नीचे माप दिखा दे, नीचे माप सही आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? मेरे ख्याल में आप सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बिन यूसुफ सलाह सैयद में, और आज आके हम ये वाली साइड पे, कदम वाली साइड पे, और इसका आपने पहले पीसीसी का मार्किंग का वीडियो देख लिया था, फिर पीसीसी के ऊपर जो आरसीसी का मार्किंग होता है उसका देख लिए। अभी ये इसका तीसरा वीडियो है, और तीसरे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कॉलम जो खड़ा किया है वो किस हिसाब से खड़ा किया है। और अभी इंजीनियर भी आ गया, पहले इसको चेक करा देते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर को पहले चेक कराता हूँ सारे मार्किंग जो अब सब नंबर लिखे हुए, डोरी वोरी सब बंधी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो अभी गोनिया चेक कर रहा है इंजीनियर, और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है, राइट एंगल सही आएगा नहीं आएगा। दूसरा साइड अभी निशान लगाते हैं, उसके बाद में चेक करेंगे। बराबर टाइट टाइट सेंटर से सीधा करो, मीटर सीधा करो। हाँ चलो चलो बराबर है, हम लोग ठीक किया तो हमको टेंशन नहीं ना। इनका काम है चेक करना, चेक करेंगे। और ये लैंड डोरी पूरा बंधा हुआ है, देख लीजिए आप। पहले में जो मार्किंग होता था आपको, ये देखिए एक ही आपको दिखेगा शायद, अभी दिख जाएगा ये एक ही है, बी किसी किसी से पूरा लगा हुआ है, डोरी के अंदर पूरा हो गया। और नीचे बांधने के लिए एल लगा हुआ था कॉलम में, तो नीचे दो 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 जगह में वायर से बांध के, फिर बाद में बत्ता लगा दीजिए, लकड़ी लगा दीजिए, लकड़ी से वायर से बांध के, फिर इधर और क्या बोलते हैं इसका, हम तो सिकंजा बोलते हैं, सिकंजा स्टार्ट करता है उस टाइम पे, इधर उधर करना होता है, लेकिन पहले बॉक्स टाइट होना चाहिए। बॉक्स टाइट होने के बाद में ये खड़ा करने के लिए ये जगह ये टाइट होना चाहिए, ठीक है। अभी पूरा चेक कर लेते हैं अंदर से, और अभी ये बॉक्स का साइज चेक कर लेते हैं। क्या क्या कितनी कितनी कितने सेंट, नीचे से माप सही, नीचे माप दिखा दे, नीचे माप सही आऊंगा। हाँ स्टील पूरा चेक कर रहा है, एक बॉक्स में कितना स्टील है, कितना दिखा कर रखा है ड्राइंग में, ड्राइंग में पूरा रहता है ना उसके सेम सेम, एल कितना सेंटी का है, कॉन्क्रीट कितना सेंटी होएगा पूरा। सारे चेक कर रहे सारे, मीटर तिसाइन और मीटर सबाइन, शायद सबाइन है, एक मीटर सत्तर एक मीटर नब्बे, वो इंजीनियर है, वो सुडानी है, इसको अरबी आता है, हिंदी नहीं आता है ना, इसलिए कॉलम का साइज 60 सेंटी का कॉलम है, सेंटर वाला 70 सेंटी का, 70 बाई 20 सेंटी का सेंटर वाला, और साइड वाला 60 बाई 20 का है। चलो इसे चेक कर लिया पूरा, अभी मैं फिर चेक करूँगा, मैं करूँगा चेक बराबर से अच्छे से, क्योंकि मैं चेक नहीं किया अभी तक। हाँ काम थोड़ा ही बाकी है, कवरिंग साइड हम लगाओगे थे? हाँ सही है, वो चेक तो ऑन करा कवरिंग। चार बजे तक करेंगे कॉन्क्रीट चालू है ना, चलो करो ही सीधा। चलो थोड़ा इन्हें भी आओ, थोड़ा इन्हें भी आओ, इधर खेचो इधर, हाँ थे मत धक्का मार, बेन मार दिया थे, थोड़ा उतना ज्यादा गिर गया, वो बहन छुपी ने बंद कर बताया था, वो तेरा गिर गई जाली, तो क्या करा, ला 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 खस्ता से ना हिसाब ना, कम को नहीं स्टेज बराबर है, सही है कम यार, ये फर्क कुछ फर्क कौन पड़ा रहा है, सिस्टम खारता है क्या, अच्छा टन में ये फर्क पड़ता था टन में। हाँ सही, अब सही है खबरें सर, खारता ने खारता ने भी बेरा उन सा उन सा क्या करा के लाऊं मैं, पटक दे चला है घर, चलते छोड़ दे मैं। चलो ठीक है, तो डोई वाली छप चेक हो गई है, सब बराबर बिल्कुल सही है,
और सेंटर के बस कितना 5 करोड़ और बाकी है तकरीबन सीधा करने में इतना मुश्किल नहीं। नीचे हम लोग जो किला मार लिए थे ना, नीचे मैं आपको दिखाया था 4-4 किला मारा था, उसके हिसाब से कोलम खड़ा कर दो तो डोरी में बराबर सीधा आएगा, बस खाली ऊपर से थोड़ा बहुत करने के लिए लकड़ी जैसे आप देखे अभी उसके हिसाब से इधर उधर कर सकता है, यानी कोई टेंशन वाला काम नहीं, बिल्कुल सही है और आसान काम है, सीधा काम, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं इसमें, बराबर सब सीधा सीधा, इतना ज़्यादा डोरी भी नहीं इसमें, लाइन भी इतना नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, पता नहीं मैं इधर कब आऊँगा, मेरे ख्याल में अभी मेरा ज़रूरत नहीं इधर आने के लिए, मैं इधर नहीं आऊँगा, शायद अगर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो, कॉन्क्रीट तो कर देगा अभी थोड़ा 2 घंटे बाद में, इधर कॉन्क्रीट पंप आएगा तो कॉन्क्रीट हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए।